नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है उस नंबर सिस्टम, उसमें डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिवीजन करना होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है बहुत सिंपल और आसान सा एग्जाम्पल है। ओके, वो आपको डिवीजन सीखना है वहाँ पे उसके बीच। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये तीन के डिवीजन हमें करना सीखना है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10/3 के लिए हम करते हैं कि 10/3 के लिए, तो यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ, आपको शायद मेरे ख्याल से डिवीजन सबको आता है। यहाँ पे 3, 10 अंदर लिखने का, यहाँ पे बाहर 3 लिखने का, 3 3 जा 9, ओके रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। आगे डिवीजन करोगे, ओके तो थोड़े बहुत यहाँ पे डिवीजन कब तक करना है, तो हर एक में 5 5 to 6 पॉइंट तक डिवीजन करते, या तो रिमाइंडर वापस रिपीट होता है तब तक करते रहते हैं। ओके, रिमाइंडर यानी कि अभी रिमाइंडर में क्या मिला है, 1 मिला है। अब 3 3 जा करोगे तो ओके डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट पुट करते, पॉइंट पुट करते तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। नाउ अब 3 3 जा 9, वापस रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे डिवीजन करोगे तो यहाँ पे ऊपर से 0 आएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3 3 जा 9, वापस रिमाइंडर 1 मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसे डिवीजन करते जाओगे कि 10/3 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3.3333 ऐसा आंसर मिलता ही रहेगा। कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉट, यानी कि यहाँ पे पेज जब तक खत्म नहीं हो तब तक डॉट नहीं करने हैं। ओके, 3 डॉट ही करने हैं, कितने डॉट, 3 डॉट ही रखने हैं। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज थी वो कि 3.3333 है उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो 3 पॉइंट, पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 3, वो हर वक्त वही रिपीट हो रहा है ना, सिर्फ अकेला डिजिट 3 डिजिट वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10.3 = 3.3 bar, कि इसको क्या कहते हैं, 3 bar bar bar। ओके, तो 3.3 bar, यानी कि इसका मतलब भी ऐसा होता है, 3.3333 रिपीट होते रहते हैं। नाउ अब जो सेकंड डिवीजन है 7/8, ओके 7/8, तो यहाँ पे डिवीजन करते हैं, मिनिमम 3 तक तो आपको करना है, 3 4 तक, यानी कि आप लोगों को जब तक ये जो रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वरना जब तक रिपीट नहीं हुए तब तक करते रहो, आपके पास टाइम तो है अभी। तो यहाँ पे 7 सर, दोनों में से 3 3 3 आया क्या, दोनों में सर 3 3 3 आंसर आया, यानी कि 10/3 करोगे तो वो 3 3 3 आंसर मिलता है ना, हर एक वक्त 3 मिलेगा आप लोगों को आंसर। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है 7/8, 7/8 करते हैं, तो ये आप, अरे भाई यहाँ तो अंदर छोटा नंबर है और बाहर हमें जिसको जिससे डिवाइड करना वो तो बड़ा है, तो डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 8 1 जा 8 8 2 जा ऐसे बोलते जाओ तो 8 6 जा 64, 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 6, ऊपर से क्या आएगा, 0 है नहीं बट पॉइंट हमने पुट कर दिया है, तो हम अब रिमाइंडर 0 नहीं है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 नहीं है फिर भी नीचे उतार सकते क्योंकि एक पॉइंट है। एट अ टाइम 1 ही 0 आप नीचे उतार सकते हो, 1 से ज्यादा उतार नहीं सकते हो, हम देखेंगे तो क्वेश्चन आपको ख्याल आएगा। नाउ अब क्या होता है, 8 का टेबल, तो 8 5 जा 8 6 जा 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48 होता है, 8 7 जा 54 होता है, सॉरी 56 होता है, और 8 8 जा 64 होता है तो बड़ा होता है, तो 8 7 जा 56। नाउ 56 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 0। ओके, यहाँ पे अब आगे करते तो 8 5 जा 40 होगा, रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो 3 खत्म ही नहीं होता है, जब यहाँ पे डिवीजन किया करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर खत्म ही नहीं होता, जिसमें आंसर कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, कैसा, आपको 3 रिपीट होता है ना,
तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नहीं है क्या, जिसका आंसर खत्म नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर जीरो कभी आता नहीं है, ऐसे आंसर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें आंसर जीरो नहीं आएगा, यानी कि ऐसे चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. बट यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, थ्री रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली थ्री रिपीट हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है. कैसा है? एंड रिपीटिंग है. और यहाँ पे क्या है, आपने सेवन को एट से डिवाइड किया, सेवन डिवाइड बाई एट किया, तो आपको आंसर क्या मिला? 0.875. उसके बाद रिमाइंडर जीरो आ गया. तो जिसमें रिमाइंडर जीरो मिल जाता है, वैसे डेसिमल, यानी कि जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है, क्या ये जो रिमाइंडर कहते हैं, तो रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो. सो ऐसे नंबर को हम कैसा कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसर. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्वेश्चन सर. हेलो सर. की है तो वो देखते हैं. नाउ वन अपॉन सेवन. ओके, तो वन अपॉन सेवन को डिवाइड करो, यानी कि वन डिवाइड बाय सेवन होता है. बहुत ध्यान से देखो और समझो क्या कहना चाहते हैं. जब तक आपको रिमाइंडर रिपीट नहीं होता है, तब तक आपको डिवीजन करते रहना है. ओके, तो यहाँ पे हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं. सेवन वन जाए सेवन, अरे यार ये तो वन स्मॉल है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, जीरो पॉइंट कर दो, तो यहाँ पे आप टेन कर सकते हैं. सेवन वन जा सेवन, रिमाइंडर कितना मिलेगा? थ्री मिलेगा. ऊपर से क्या आएगा? जीरो आता है. क्या आता है? जीरो. यहाँ पे जीरो लिखेंगे. फोर जाए 28. नाउ अगेन सेवन, सेवन फोर जाए कितना होता है? 28 होता है. सेवन फोर जाए कितना होता है? 28 होता है. नाउ यहाँ पे 30 माइनस 24 करोगे तो 6 मिलेगा. ओके, अब 7 का टेबल, तो 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा कितना होता है? 56 होता है. ओके, वेल क्या होगा? 28 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिलेगा. रिमाइंडर 2 होगा तो 7 2 जा, 7 2 जा कितना होता है? 14 होता है. कितना होता है? 14. 20 माइनस 14 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलता है. कितना मिलता है? 60. अब 7 8 जा, 56 होगा. कितना होगा? 56. रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4. ऊपर जाएगा 0. 7 5 जा, 35 होता है, तो 35 सबट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 50. 7 7 जाओ, क्या मिलता है? 49. नाउ ओके, यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1. नाउ आप देखो, यहाँ पे आपने 1 से स्टार्ट किया था, 1 वापस मिला, तो वापस यही चीज कंटिन्यूस होती रहेगी. यानी कि जब आप 1 अपॉन 7 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.0. सर आवाज नहीं आ रही है. कुछ तो बोलो. सर पानी पीने गए होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग, जोर से बोलो. अरे नॉन टर्मिनेटिंग. ओके,
तो ये नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो अभी हमने दो टाइप के देखे, जो कैसे होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एक थर्ड टाइप का जो डिवीजन है, क्या है, थर्ड टाइप का डिवीजन, जिसमें क्या है, आप ऐसा लिख सकते हो पहले तो, या फिर ऐसा हम लिख लो पहले, आफ्टर सम डिवीजन, रिमाइंडर बिकम जीरो, जीरो, देन डेसिमल एक्सपांशन बिकम जीरो। डेसिमल एक्सपांशन कैसा बन जाता है, जीरो बन जाता है, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन बिकम टर्मिनेट, टर्मिनेट। ओके, और एंड आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेप, एंड आफ्टर, यानी कि आप थोड़ी स्टेप करोगे तो डिवीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, फाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन करोगे थोड़े, एक दो बार, तीन बार, पांच बार, सच टाइप of decimal expansion is called terminate, terminating number, terminating number, number are rational number. तो terminating number होते हैं वो कैसे number होते हैं, rational number होते हैं, जो terminating number होते हैं वो कैसे होते हैं, rational number होते हैं। और नाउ अब रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, क्या, तो रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, उसमें क्या होगा, दो तीन टाइप के होंगे, दो टाइप होते हैं, तो एक तो रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग को दूसरा कहते हैं रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके,
तो इसमें लिख दो डेफिनेशन में, अ डेसिमल इन विच, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट्स ऑफ डिजिट sets of digit is repeated periodically is called repeating, is called repeating. डेसिमल उसके एग्जांपल देखो तो आप ऐसे कर सकते हो, 1/3 का डिवीजन करोगे तो 0.333 ऐसा कंटिन्यूस होता है, उसको ऐसे लिखते हैं 0.3 बार. ओके, आपने एग्जांपल किया.